बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम 9th क्लास के मैथ की एक्सरसाइज 2.6 जो कि लेक्चर नंबर 14 बनेगा। पिछले लेक्चर में हमने इसका क्वेश्चन नंबर 2 जो है ना वो पढ़ा था, अभी हम क्वेश्चन नंबर 3 एंड ऑनवर्ड पढ़ेंगे। तो ये लिखा गया कि जी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ ए प्लस बी आयोटा। यहाँ कल भी मैंने बात क्लियर की थी पिछले लेक्चर में, अभी दोबारा भी सुन लें। ये ए प्लस बी का मतलब ये नहीं है कि भी वहाँ भी ए या बी नंबर आएंगे या वो हर दफा प्लस की शक्ल में आएंगे, उसकी सिर्फ जो तरतीब समझनी है ना वो बात को समझें कि ए का मतलब है रियल पार्ट और बी आयोटा का मतलब है इमेजिनरी पार्ट। यानी कि कम्प्लेक्स नंबर के दो पार्ट्स होते हैं, एक रियल पार्ट और एक इमेजिनरी पार्ट। एक उसका रियल पार्ट आना चाहिए और एक इमेजिनरी, कि उसको सिंपलीफाई करके जब हम उसका आंसर निकालें उसमें ये दो पार्ट होने चाहिए, तो वो चीज को मद्देनजर रखना है। ए और बी को नहीं आपने मद्देनजर रखना, आपने तरतीब को देर में लाना है। तो अब क्वेश्चन ये है कि -7 + 3 आयोटा मल्टीप्लाई, क्योंकि ब्रैकेट्स के दरमियान कोई साइन ना हो तो उसको मल्टीप्लाई पढ़ा जाता है, फिर -3 + 2 आयोटा। पिछले लेक्चर में जो हमने क्वेश्चन हल किए थे उनके ब्रैकेट के दरमियान या प्लस का साइन था या माइनस का साइन था, तो हम सिंपल अंदाज में ब्रैकेट्स को ओपन कर लेते थे। लेकिन यहाँ जो है ब्रैकेट्स के दरमियान कोई साइन नहीं है, इसलिए मल्टीप्लीकेशन का अमल होना है, इस बात को भी ध्यान में रखना है। अब मल्टीप्लीकेशन के लिए सिंपल सी बात अपने ध्यान में लाएं कि ये पहली ब्रैकेट है, ये दूसरी ब्रैकेट, इसको आप अपने ध्यान में दोहराएं। अब पहली ब्रैकेट का पहला नंबर उसको अपने सेलेक्ट करें और दूसरी ब्रैकेट के दोनों नंबर या बाद का ज्यादा नंबर भी होते हैं तो उनसे हर नंबर से अलग अलग मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे यहाँ देखें -7 को जब -3 से मल्टीप्लाई किया जाएगा, -7 + 7 = 21, फिर -+-7 = 14 आयोटा। अब दूसरा नंबर को सिलेक्ट करें तो ये +-3 = 9 आयोटा, फिर ++++3 = 6। अब चूंकि आयोटा और आयोटा भी एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो ये आयोटा स्क्वायर बनेगा, इसको सिंपल आयोटा नहीं लिखना ये। अब नेक्स्ट करते हैं, ये 21 आ गया, ये दोनों के साइन देखें, जो 14 आयोटा और 9 आयोटा है दोनों के साइन सेम है। तो पिछले लेक्चर में भी बात हुई थी, पहले भी हमने पढ़ी है ये बात बार बार कि जब 2-3 नंबरों के साइन सेम होते हैं तो उनके दरमियान प्लस का अमल होता है, तो ये दोनों प्लस हो जाएंगे -23 आयोटा। अब ये +6 आ गया, हमने पढ़ा हुआ है पिछले लेक्चर में कि आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1, तो अब यहाँ आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हम डालेंगे -1, 21 ऐसे आ गया। ये जो 6 और -1 मल्टीप्लाई हो रहे हैं इनको हमने हल करके 6 × 1 = 6 और +−−, और ये -23 आयोटा। अब 21 बड़ी रकम है और -6 छोटी रकम है, इसको माइनस कर देंगे तो 50 रह गया -23 आयोटा। ये इसका तरीका। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, 2 − √−4 × 3 − √−4। यहाँ बार दफा परेशानी हो जाती है कि जी हम नंबर तो कम्प्लेक्स वाले हल कर रहे हैं लेकिन यहाँ तो इस नंबर के अंदर, इस क्वेश्चन के अंदर आयोटा की तो फॉर्म आई नहीं है। तो इसको बात को समझने कि जब किसी भी स्क्वेयर रूट के नीचे माइनस का नंबर आएगा तो वो इमेजिनरी नंबर होता है, वो रियल नंबर नहीं होता। ये पिछले भी एक लेक्चर में जब आपको मैंने कम्प्लेक्स नंबर के बारे में डेफिनेशन पढ़ाई थी उसमें ये बात मैंने आपको लिखवाई थी, समझाई थी कि माइनस के नंबर को ही हल करने के लिए आयोटा जो है ना वो तश्कील दिया गया या एक नंबर अखज किया गया है। तो अब इस -4 को जो है हम आयोटा में कन्वर्ट करेंगे, कैसे देखें, 2 − ये जो -4 है इसको हम 4 × -4 लिख सकते हैं ना, यानी कि फैक्टर बनाकर। तो इसी तरीके से 3 − यहाँ भी इस -4 को भी 4 × −1। अब नेक्स्ट है 2 − अब यहाँ थोड़ा सा जो दें कि ये जो 4 है अब ये रियल नंबर बन गया क्योंकि ये पॉजिटिव में आ गया, पॉजिटिव का नंबर हो स्क्वेयर रूट के नीचे तो वो रियल काउंट होता है। तो ये 4 रियल नंबर है, तो रियल नंबर का स्क्वेयर जो होता है उसका स्क्वेयर रूट हो सकता है, इस 4 का स्क्वायर रूट होकर ये 2 आ गया और ये जो स्क्वायर रूट -1 बचा
ये भी हमने पढ़ा हुआ है पिछले लेक्चर्स में कि ये इक्वल टू एटा होता है, ठीक है। तो ये जो स्क्वायर रूट ऑफ माइनस वन बचेगा ये एटा से इक्वल आ गया। इसी तरीके से थ्री माइनस ये फिर फोर रियल नंबर बन गया है क्योंकि ये प्लस में कन्वर्ट हो चुका है, तो इसलिए इसका स्क्वायर रूट टू आ जाएगा और ये स्क्वायर रूट ऑफ माइनस वन जो बचेगा ये इक्वल टू एटा हो जाएगा। अब ये हमारी इसकी फॉर्म बन गई जो स्टैंडर्ड फॉर्म है। अब हम इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, टू थ्री आर सिक्स क्योंकि दोनों के साइन प्लस है, फिर ये टू माइनस टू से जब मल्टीप्लाई होगा तो प्लस माइनस माइनस टू टू आर फोर, फिर ये माइनस टू को सेलेक्ट करें, माइनस प्लस माइनस टू थ्री आर सिक्स आयोटा, फिर ये माइनस माइनस प्लस टू टू आर फोर आयोटा स्क्वायर, क्योंकि आयोटा भी आयोटा से मल्टीप्लाई हो रहा है, सिक्स ऐसे आ गया। ये दोनों के साइन सेम है आयोटा वालों के, ये आपस में एड हो जाएंगे, ये प्लस फोर आ गया और आयोटा स्क्वायर की जगह पे उसकी वैल्यू आ गई माइनस वन, ये सिक्स, ये अब ये फोर माइनस वन से मल्टीप्लाई हो रहा है तो प्लस माइनस माइनस फोर और ये माइनस नाइन आयोटा, सिक्स बड़ी रकम है फोर छोटी रकम है तो ये टू रह जाएगा, टू माइनस टेन आयोटा। नेक्स्ट स्क्वायर रूट ऑफ फाइव माइनस थ्री आयोटा होल स्क्वायर। अब आपने अपने जहन में जब होल स्क्वायर की बात आ रही है तो आपको याद होगा हमने पढ़े हुए हैं फार्मूला, ठीक है, कि ए प्लस बी होल स्क्वायर है, ए माइनस बी होल स्क्वायर, वो उस चीज को अपने जहन में लेकर आना है कि ये होल स्क्वायर आ रहा है तो ये स्क्वायर वाला फार्मूला बन गया, ए माइनस बी होल स्क्वायर, कौन सा फार्मूला बन गया, दोबारा दोहराए, ए माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी। अब ए की जगह पे फाइव आ रहा है, ए इसका ए स्क्वायर बन गया, प्लस बी की जगह पे आ रहा है तो ये बी बन गया, माइनस टू ए बी तो ये टू फार्मूले वाला, ए की जगह पे फाइव आ गया, बी की जगह पे थ्री होगा। अब फाइव का स्क्वायर भी है और स्क्वायर रूट भी, आपस में कैंसिल हो गए, फाइव आ गया, जबकि इसका सिर्फ स्क्वायर है तो थ्री का स्क्वायर नाइन और आयोटा का स्क्वायर आयोटा स्क्वायर बन जाएगा माइनस। अब यहां देखिए ये टू रियल पार्ट है ना, पढ़ा हमें, और ये थ्री भी रियल नंबर है तो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होकर सिक्स हो गया, ये स्क्वायर रूट ऑफ फाइव आयोटा एंड पे। अब फाइव ये प्लस नाइन और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू माइनस वन तो ये माइनस सिक्स स्क्वायर रूट ऑफ फाइव आयोटा, ये ऐसे ले लिया फाइव। अब ये नाइन जब माइनस वन से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस माइनस माइनस नाइन वन दर नाइन माइनस सिक्स मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट ऑफ फाइव आयोटा। अब फाइव छोटी रकम है और नाइन बड़ी है और नाइन का साइन है माइनस, तो आंसर में बड़ी रकम का साइन आएगा तो यहाँ माइनस फोर बचेगा माइनस सिक्स इंटू स्क्वायर रूट ऑफ फाइव आयोटा। नेक्स्ट पार्ट टू माइनस थ्री आयोटा मल्टीप्लाई थ्री माइनस टू आयोटा और इसके ऊपर बार भी है, यानी कि जो सेकंड ब्रैकेट है दूसरी ब्रैकेट है उसकी जो रकम है उसके ऊपर बार भी है, जैसा कि हम पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि जब कंप्लेक्स नंबर्स वाले में ऊपर बार आ जाए तो उसका मतलब होता है कंजुगेट बनाना है। तो कंजुगेट के बारे में भी हम पढ़ चुके हैं कि कंजुगेट बनाने के लिए हम क्या करते हैं कि आयोटा वाली रकम का साइन चेंज कर देते हैं। तो ये देखिए स्टेप करेंगे तो टू माइनस थ्री आयोटा मल्टीप्लाई थ्री, यहाँ ये माइनस है, बार इसका खत्म हो जाएगा और साइन इसका चेंज हो जाएगा तो ये बन जाएगा कंजुगेट, तो ये बन गया थ्री प्लस टू आयोटा। अब हम इसको बाकी सवालों की तरह मल्टीप्लाई कर देंगे, टू थ्री दार सिक्स टू टू दार फोर फिर माइनस प्लस माइनस थ्री थ्री दार नाइन माइनस प्लस माइनस थ्री टू दार सिक्स आयोटा स्क्वायर। अब सिक्स ये दोनों को देखे आयोटा वालों के, ये आपस में चूंकि आप होंगे इनके साइन का भी ध्यान रखना है, ये दोनों के साइन डिफरेंट हैं इसलिए माइनस कॉमन होगा और बड़ी रकम का साइन क्योंकि माइनस है इसलिए आंसर में माइनस आएगा तो माइनस फाइव होगा और ये माइनस सिक्स मल्टीप्लाई आयोटा स्क्वायर की वैल्यू माइनस वन, ये सिक्स आ गया, ये माइनस फाइव होगा और ये माइनस माइनस प्लस सिक्स माइनस मल्टीप्लाई माइनस प्लस सिक्स वन दर सिक्स, ये अब ये सिक्स और ये सिक्स ये दोनों लाइक हैं, ये आपस में ऐड हो सकते हैं, ये आयोटा वाला इनके साथ ऐड नहीं होगा तो ये दोनों चूंकि प्लस के हैं सेम साइन हो गए तो ये प्लस ट्वेल्व और ये माइनस फाइव आयोटा। ये क्वेश्चन नंबर थ्री है, इसके जो है चार पार्ट थे मैंने आपको करवाए, आपको उम्मीद है कि समझ आ गई होगी, अगर नहीं आई तो इसको दोबारा रिपीट करके फिर से दोबारा स्टडी करने की कोशिश करें।
इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन फॉर्म ऑफ ए प्लस बी आयोटा। इसको भी वही ए प्लस बी आयोटा में ही करना है, तो उसके लिए अब ये पिछले क्वेश्चन जो है वो मल्टीप्लीकेशन की शक्ल में थे, अब ये डिवीजन की शक्ल में आ रही है। इस बात का भी ध्यान रखना है कि क्वेश्चन जो है ना वो पिछले लेक्चर में हमने जो पढ़े थे वहां प्लस या माइनस का साइन था, उस बात का ध्यान रखना है। अभी जो हमने ये क्वेश्चन पढ़ा 3, इसमें ब्रैकेट्स के दरमियान कोई साइन नहीं है, वहां मल्टीप्लीकेशन होगी, उस बात का ध्यान रखना है। अब जो हम क्वेश्चन पढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4, वो डिवीजन की शक्ल में लिखा हुआ है, इस बात का भी ध्यान रखना है कि क्वेश्चन लिखा किस शक्ल में किस फॉर्म में है। ये -2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस आयोटा। बेटा जी जब भी बटे के नीचे आयोटा की वैल्यू आ जाए, आयोटा की रकम आ जाए, तो फिर उसका जो सोल्यूशन है जनरल जो डिवीजन का सिंप्लीफिकेशन का तरीका है उससे फिर वो नहीं होती, फिर उसका तरीका एक बनाया गया है कि जिसको कॉन्जुगेट लेकर हल करते हैं। तो डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट लेंगे और उसको ऊपर वाले नंबर से भी मल्टीप्लाई और नीचे वाले नंबर से भी मल्टीप्लाई, यहां देखिए ये लिखा -2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस आयोटा। अब 1 प्लस आयोटा का फर्दर कॉन्जुगेट बनाकर जो कि बना 1 माइनस आयोटा, इसको देखो ऊपर 2 मल्टीप्लाई भी हो गया और नीचे वाले से भी मल्टीप्लाई हो गया। अब ऊपर वालों को आपस में जब मल्टीप्लाई किया तो ये -2 मल्टीप्लाई 1 माइनस आयोटा, और नीचे डिनोमिनेटर में देखे ए प्लस बी मल्टीप्लाई ए माइनस बी। फार्मूला जो आपको पढ़ाए जाते हैं जब बताए गए थे कि सवालों की नोयत जो है उसको हमने फार्मूले की तरतीब पे देखना होता है, वहां ए बी नहीं आएंगे सवालों के अंदर, वहां तरतीब को मद्देनजर रखना है कि जब हमने फार्मूला पढ़ा था तो उसमें कौन सी तरतीब थी। तो अब ये तरतीब देखनी हमने के लिए ए प्लस बी मल्टीप्लाई ए माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। तो अब ए की जगह पे 1 आ रहा है, 1 का स्क्वेयर हो गया, बी की जगह पे ए उठा आ रहा है, ए उठा का स्क्वेयर हो गया, तो ये बन गया ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। नेक्स्ट में अब जो -2 मल्टीप्लाई 1 माइनस ए उठा, इसको तो मिनी सिंपलीफाई भी करना। नेक्स्ट ये 1 का स्क्वेयर 1 ही होगा, ये माइनस, अब ए उठा स्क्वेयर इसकी वैल्यू आ जाएगी यहां -1। नेक्स्ट -2 मल्टीप्लाई 1 माइनस आयोटा, नीचे ये 1 आ गया। अब ये माइनस जब अंदर ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा, तो ये -2 मल्टीप्लाई 1 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय 2। अब नीचे भी 2 है सिंगल, ऊपर 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये 2 से कैंसिल हो गया। यहां इस बात को बड़ी तवज्जो से ध्यान में रखना है और दिन में कि ये -1 जो है इसको छोड़ दी जाना, भूल नहीं जाना। इस माइनस में जब ये ब्रैकेट खोलने के लिए हमने इस्तेमाल करना है तो इसके अंदर के साइन चेंज करा देने हैं। देखिए ये माइनस जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो -1 हो जाएगा, फिर यही माइनस जब माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो ये प्लस आयोटा हो जाएगा, तो ये बन गया -1 प्लस आयोटा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, 2 प्लस 3 आयोटा डिवाइडेड बाई 4 माइनस आयोटा। डिवीजन की शक्ल में क्वेश्चन है, इस बात को बार बार दोहरा रहा हूं मैं कि डिवीजन की शक्ल में क्वेश्चन है तो उसको हल करने का तरीका क्या है कि जी डिनोमिनेटर जो कि बटे के नीचे नंबर हो उसका कॉन्जुगेट बनाकर, ये देखिए 2 प्लस 3 होता डिवाइड बाई 4 माइनस ए होता। अब ये 4 माइनस ए होता नीचे डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट बनाएंगे और उस कॉन्जुगेट को ऊपर वाले नंबर से भी मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे वाले नंबर से भी मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये 2 प्लस 3 ए होता मल्टीप्लाई 4 प्लस ए होता। और डिनोमिनेटर पे फिर गौर करें जरा, ए माइनस बी ए प्लस बी, ए का मतलब है कि पहला नंबर, बी का मतलब है दूसरा नंबर, तो सेम नंबर है लेकिन डिफरेंट साइन के साथ ए माइनस बी मल्टीप्लाई ए प्लस बी बना रहे हैं, तो ये फार्मूला बन जाएगा ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। ए की जगह पे 4 आ रहा है और बी की जगह पे आयोटा आ रहा है, ये बन गया ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। अब इनको मल्टीप्लाई करें, वही जो इसने क्वेश्चन में किया 2 4 8, फिर 2 आयोटा, फिर 3 4 12 आयोटा, फिर ये प्लस 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 3 1 3 आयोटा भी आयोटा से मल्टीप्लाई हुआ है तो 3 आयोटा स्क्वेयर हो गया। अब ये 8 ऐसे आ गया, इन दोनों के आयोटा वाली जो रकमें हैं 2 और 12, इन दोनों का देखिए साइन सेम है, आपस में ऐड हो जाएगी
तो ये बन जाएगा 14 iota + 3 और iota स्क्वायर की जगह पे उसकी वैल्यू दर्ज करेंगे तो ये -1। अब ये 8 ऐसे ही आ गया। अब ये देखिए प्लस 3 माइनस 1 से जब मल्टीप्लाई होगा तो ये -3 बन जाएगा और ये प्लस 14 iota। यहाँ दोबारा सुन ले, ये 8 आ गया, ये 3 जो है ये प्लस माइनस माइनस 3 1 3 और ये प्लस 14 iota। अब 8 में से 3 माइनस किए 5 प्लस 14 iota। अब देखिए ये पिछले भी एक लेक्चर में इस किस्म की सूरत हाल आई थी तो वहां भी आपको मैंने क्लियर किया था कि बटे की लाइन के ऊपर 2 3 4 जितने नंबर भी हो बशर्ते कि वो आपस में प्लस या माइनस हो रहे हो और नीचे सीधा नंबर हो एक ही, तो वो हर एक का अलग अलग डिनोमिनेटर के तौर पे लिखा जाता है या लिखा जा सकता है। तो ये 17 जो है ये 5 का भी डिनोमिनेटर बन जाएगा और यहाँ का साइन का प्लस आ गया और ये 14 iota का भी ये डिनोमिनेटर बन जाएगा। तो ये बन गया 5/17 + 14 iota। ये क्या देखिए ना शक्ल जो उसने कहा था कि ए प्लस बी iota, एक रियल पार्ट और एक इमेजिनरी पार्ट। नेक्स्ट 1 + iota / 1 - iota होल स्क्वायर। अब इस क्वेश्चन में दो तरीके हैं, एक तो ये कि हम इसका पहले होल स्क्वायर ओपन कर लें फिर उसको हल कर लें, एक तरीका ये है कि हम स्क्वायर को छेड़े ही ना, एंड पे जाके स्क्वायर बड़ी इजीली खत्म हो जाएगा। अगर यहाँ अगर आप करेंगे तो मे भी गलती हो जाएगी प्लस माइनस की, क्योंकि फार्मूले के अंदर प्लस माइनस के साइन आते हैं, वहां डिफरेंट कर साइन लगाने से गलती भी हो जाती, इसलिए इस स्क्वायर को बिल्कुल नहीं छेड़ना जो होल स्क्वायर है, ब्रैकेट के अंदर जो है वही तरीका जो कि डिवीजन की शक्ल में ही लिखा हुआ है उसको कंजुगेट लेकर हल करते जाए, एंड पे जाकर देखेंगे हम कि भाई ये स्क्वायर का क्या करना है। तो ये ब्रैकेट के अंदर देखें 1 + iota / 1 - iota डिनोमिनेटर का कंजुगेट बनाया, ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करती है और नीचे वाले से भी। अब ये 1 + iota / 1 + iota / फिर वही शक्ल को जरा गौर में लाए, ए माइनस बी मल्टीप्लाई ए प्लस बी, इनके तरतीब बन रही है तो बन गया ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। अब इनको मल्टीप्लाई करें 1 1 + 1 फिर ये 1 iota से मल्टीप्लाई होगा तो iota, फिर iota 1 से मल्टीप्लाई होगा तो iota, फिर जब iota से मल्टीप्लाई होगा तो iota स्क्वायर, और ये 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, ये माइनस आ गया और ये ब्रैकेट के अंदर iota स्क्वायर की वैल्यू लिखी गई है -1 और स्क्वायर को बिल्कुल कोई नहीं छेड़ना, ये एंड पे जाके बड़ी इजीली खत्म हो जाएगा। अब देखिए 1 ऐसे आ गया, ये प्लस iota 2 iota हो गया और ये iota स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, -1 लिख ली, तो ये प्लस माइनस माइनस बनना था इसलिए माइनस ब्रैकेट लिख लिया होल स्क्वायर। अब देखिए ये 1 प्लस का है और ये 1 माइनस का है तो ये आपस में कैंसिल हो गए, डिफरेंट साइन के साथ सेम नंबर आपस में कैंसिल, प्लस का 1 माइनस का 1 आपस में कैंसिल हो गए, यहां ऊपर बच गया 2 iota और नीचे ये 1 + 1 2। अब यहां 2 2 से कैंसिल हो गया, सिर्फ iota स्क्वायर बच गया और iota स्क्वायर हमें पता है किसके बराबर होता है -1 और ये क्योंकि सिर्फ -1 बचा है ये साथ प्लस 0 iota इसलिए लिखा है कि हमने इसकी क्योंकि पूरी जो फॉर्म बनानी है a प्लस बी iota बनानी है कंप्लेक्स नंबर वाली, तो ये पिछले भी हमने लेक्चर में पढ़ा था कि जहां कंप्लेक्स नंबर में अगर रियल नंबर मिस हो तो उसकी जगह पे 0 लिख लेंगे और अगर इमेजिनरी नंबर मिस है तो उसकी जगह पे 0 लिख लेंगे, तो इसलिए 0 लिखा है, 0 iota का मतलब है कि नथिंग, सिर्फ -1 ही है, सिर्फ शक्ल उसकी पूरी बनाने के लिए लिखा है। तो ये मैंने इसके 2-3 पार्ट छोड़े हैं आपके लिए कि अगर आप खुद इन क्वेश्चंस की तरतीब पे उनको हल करने की कोशिश करेंगे तो उम्मीद है आपसे हो जाएंगे, नहीं तो किसी फर्दर लेक्चर में वो भी सॉल्व करवा दिए जाएंगे, लेकिन जब तक आप खुद से कोशिश नहीं करेंगे एग्जाम्पल्स को या इन सवालों को देखकर अपनी बाकी सवालात की बाकी जो उसकी कोशिश करेंगे तो आपसे ये हो जाएंगे, अगर नहीं हो तो दोबारा रिपीट करें या हमसे रब्ता कर लें। शुक्रिया।